कराची की सड़कों पे इस वक्त बैठे हैं ये पुल के नीचे। मेरा एक दोस्त आया मुझसे मिलने, सरगोधे का ही है, यहाँ पे जॉब करता है। तो हमारे पास कोई प्लान नहीं है कि हम कहाँ से जाएं, अभी उनसे मिलवाता हूँ। ये हैदराबाद आबिद गिल साहब, मिट्टी घटा बहुत ज़्यादा है इसलिए हमें यहाँ मॉल से ऐनक खरीदनी पड़ी है। चले महंगी है लेकिन कोई बात नहीं है, फिर आंखों को तो बचाना है। $250 में ली है तो कोई बात नहीं है। ओके, अभी बहुत गर्मी है जिसकी वजह से हम पियेंगे जूस। इस वक्त हम मेनोरा बीच के अंदर एंटर होंगे और जाके देखते हैं कि अंदर क्या सिस्टम है, क्या सीन है। तो ये पार्क नेवी के अंदर है ये लोकेशन। ओके, बहुत अच्छा व्यू है ये वाला व्यू। ये अभी बुक करवाते हैं, ये हमारा लेकिन अभी क्लोज है। अभी मैंने 20 वाला लेस खाना था लेकिन ये अभी देखते हैं कब। हमको प्यास, तो पहले हम पिएंगे कुछ ठंडा, उसके बाद जावेंगे आगे। ओके, डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू, ये मेरा दोस्त है आबिद, पंजाब से ही है, कराची में जॉब करता है। आज का सारा दिन ये हमें घुमाएंगे मिनोरा बीच। मिनोरा बीच क्या, खाएंगे, पिएंगे, नाचेंगे, घूमेंगे, ऐश करेंगे और क्या, सब कुछ इसके। ओके, मिनोरा बीच में रश थोड़ा सा कम होता है क्योंकि ये नेवी के अंडर है, इसकी एंट्री की थोड़ी प्रॉब्लम होती है और टिकट्स लेनी पड़ती हैं। इस वजह से इधर सिर्फ खास खास लोग मेरे जैसे आते हैं। क्यों बनाते हो ये रेत के महल, समंदर आएगा तो ये गिर जाएगा तुम्हारा घर। ये तुम लोगों का ठेकेदार है, सर पे खड़ा होकर काम करवा रहे हैं। गुड, सही है, अच्छी है, अच्छी बात है। साहिल पे खड़े चले जाना, मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं। कितने की? 50 की। और नमक इसी पे लगाते हैं? टूटने टूटने को कुछ भी नहीं होता समंदर में, बस देखो एंजॉय करो और घर जाओ। ज़्यादा देर नहीं तुम लोग निकाल सकते, अकेले हो ना, नहीं निकाल सकते। साथ कोई होता 2 दिन निकाल लेना था। अब मेरे जैसा बंदा 1 घंटा हो गया यहाँ जलील हो रहा हूँ, कभी बांध लोगों को देख रहा हूँ, लग गए हुए मस्तियों में, हम अकेले। मज़ा आ रहा है? आ रहा है, गुड। हम तो बच्चे नहीं हैं, बच्चे में मज़े लेते हैं, हम तो बड़े हो गए हैं भाई। मनोरा बीच की एक सबसे मशहूर चीज़ है, जो बंदा यहाँ पे आता है वो वहाँ ज़रूर जाता है, और वो है वो सामने दिखाएं, इसको कहते हैं वॉशरूम। इधर वॉशरूम में जाना तो बहुत ज़रूरी है, आज मुझे खुद जाना। देखते हैं कि इनकी रेट लिस्ट चेक करते हैं कि क्या रेट्स चल रहे हैं। आजकल महंगाई का दौर है, आपको पता है, 300 रुपया लीटर पेट्रोल हो गया। देखते हैं इसका क्या खर्चा है। कोई नहीं, इतना सस्ता ही था, 10 रुपये था रेट, 10 रुपीज़ ओनली। ये समंदर के किनारे खूबसूरत खूबसूरत घर है जिनको आप रेंट पे ले सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर रह सकते हैं और समंदर के नज़ारे कर सकते हैं। फिर के थक गए हैं, बहुत थक गए हैं, बहुत ज़्यादा थक गए, रात को सोए भी नहीं, नींद भी नहीं पूरी। अब सुना है कि यहाँ के चपली कबाब बहुत मशहूर है, वो खाने आए। ये जनाबे वाली चपली कबाब, ये मगज मारी आज इतनी हुई है ना, हमने सोचा मगज भी खाए। तो ये मेरे हालात हैं, दिल ही नहीं कर रहा उसमें, दिल कर रहा बस हो जाता। भूख लगी है बहुत ज़्यादा, दिल नहीं कर रहा, लेकिन खाते हैं, चलो मुकानी से आए।